भीषण हाहाकार, भीषण हाहाकार, भीषण हाहाकार। हे महातेजी शिवतुंजय कुंभकर्ण, मैं किस प्रकार तुम्हारा सफर करूं, जिसके बल से देव और दैत्य सभी कांपते थे, उसे उस भिखारी राम ने मार डाला। मैं भी जाऊं। या भागिन सूर्पणखा, क्यों तुमने इस काल सब को छेड़ा था? और मुरली के स्वर कभी सुनाई नहीं देगी, नृत्य के घुंघरू की ध्वनि कभी नहीं आएगी। बस केवल रोने की ध्वनि ही मेरे कान तक पहुंचेगी। बस पिताश्री, बस, अब और सहन नहीं होता। अब आप मुझे अनुमति दीजिए, फिर या तो मैं उस नीच को भस्म कर दूंगा, या फिर नाग पाश में बांध कर आपके चरणों में डाल दूंगा। अरे पुत्र, अब तू ही तो मेरे कुल का एकमात्र दीपक बचा है, भला तुझे कैसे मैं मृत्यु के मुख में भेज दूं? अरे भाग्य ही हमारे प्रतिकूल है, अब तू क्या तेरा भार सहकर लक्ष्मण जी बच जाता? इस बार नहीं बचेगा पिताश्री, बस एक बार आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे परास्त करके ही लौटूंगा, अन्यथा पूरे संसार में हमारा उपहास होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो, राजसुंदरी लंका, तू अपना शोक दूर कर, देख राक्षस कुल का सूर्य उदय हुआ है, दुख की रात अब बीत गई। हे मेरे वीर पुत्र, जाओ, पिता की आज्ञा का पालन करो, परंतु रण में जाने से पूर्व देवी निकुंभला की मंदिर जाकर पूजा अर्चना करो और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करो, तभी उन मायावी तपस्वियों पर विजय प्राप्त कर पाओगे। लंकाधिपति रावण की जय! लंकाधिपति रावण की जय! ओम शंकराय नमः, ओम निकुंभलाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम निकुंभलाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम निकुंभलाय नमः। हे श्री राम, मायावी इंद्रजीत अजय यज्ञ कर रहा है, यदि ये यज्ञ संपूर्ण हो गया तो इंद्रजीत को पराजित करना बहुत कठिन हो जाएगा। आज यदि विधाता स्वयं भी आ जाए तो इंद्रजीत को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मेरे हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। चलो सौमित्र, वो निकुंभला देवी के मंदिर में यज्ञ प्रारंभ कर चुका होगा। सियापति रामचंद्र की जय!